साथियों, जेल में करप्शन और रिलीजियस माइनॉरिटीज और ये विषयों ये जो मुद्दा है उस पर हमें बातचीत करनी है। शोएब साहब ने अभी मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर और मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के नाम पर जिन केसेस में फंसाया गया और उन्हें किस तरह की चीजें और किस तरह का बर्ताव हो रहा है उस पर उन्होंने बातें रखी है, इसलिए मैं वो पार्ट अब उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बल्कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो पेटी क्राइम्स हैं या जिसको हम ऑर्डिनरी क्राइम्स कहते हैं, जो डे टू डे की चीजें हैं, उसमें किस तरह से उन केसेस में जो लोग मुसलमान बंद हैं उनकी क्या सूरत हाल है और क्या हालात हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, उन हालात की वजह क्या है, इस पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मार्च 2005 में मुसलमानों की हिंदुस्तान में मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन का पता लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी जिसे हम आमतौर पर सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं। सच्चर कमेटी अपनी तफ्तीश कर रही थी, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। इसी बीच 2006 में हमें पता चलता है कि सच्चर कमेटी से ने तफ्तीश के दौरान ये चीज पाया है कि जब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान कहाँ कहाँ हैं, सरकारी जो मुलाजमत है उसमें कितने हैं और स्कूल्स में कितने हैं, इन सब चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बी जुडिशरी, तो जब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां ये पता चला कि जेल ही एक ऐसी चीज है जहां मुसलमानों का सबसे ज्यादा मौजूद है। इसलिए ये बात हमें पता चला कि प्रिजन इज द ओनली प्लेस वेयर मुस्लिम्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड, तो ये हमको उससे बात चला। ये और बात है कि बाद में जब सच्चर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें ये हिस्सा नहीं था, उसको हटा दिया गया था। उसमें सच्चर साहब ने कहा कि अगर हम ये अगर इस हिस्से को शामिल कर देंगे तो लोगों को लगेगा और लोग ये कहने लगेंगे कि मुसलमान जेलों में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स है, तो ये लॉजिक अभी भी बरकरार है। हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये बात अपनी अपनी जगह पर कितनी हद तक सही है। ये मामला 2006 का है, लेकिन 2006 से 5 साल बाद 2011 में जो एनसीईआरटी की जो रिपोर्ट है उस पर अगर हम ये नजर डालें तो हमको पता चलता है, जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स आरपीएन सिंह, उन्होंने लोकसभा में बयान देते हुए बताया था कि क्या सूरत हाल, और जब हम उस सूरत हाल का अंदाजा को देखते हैं, उस कंडीशन को देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि 2006 में जो सूरत हाल थी उससे 2011 में जो सूरत हाल है कोई मुख्तलिफ नहीं थी, सिमिलर कंडीशन। और फिर बाद में दिसंबर 2012 में इंडिया टुडे का एक इन्वेस्टिगेशन भी आया जिसका नाम ही था मुसलमान जेल में ज्यादा देश में कम जेल में ज्यादा। तो ये तो एक जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त मुसलमानों का जेल के ताल्लुक से, वो कि ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन जेल्स, एंड इट हैज बीन आल्सो stated in the Tata Institute of Social Sciences report, which जो कि महाराष्ट्र के जेलों का एक study है, जो बहुत एक चर्चित report है। और ये सारी बातें हम जब over representation of Muslims in jail की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही interesting point ये भी है कि ये उन states में over representation है, उन states में भी है जो कि quote unquote secular जो पार्टीज हैं या सेकुलर हुकूमतें कही जाती हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे यूपी हो। अब अगर आप इसकी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो मुसलमानों की तादाद है जेल में वो यूपी के अंदर है, जिसके बारे में आप यूपी के जेलों के बारे में, तो एक सबसे बड़ा मसला जो है रिली अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा मसला जो है वो है लैक ऑफ
लीगल एड का। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिपोर्ट है, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, और मैं समझता हूं कि कुछ डिस की वो रिपोर्ट है, अगर उस रिपोर्ट को दूसरी जगह भी, मतलब वैसी स्टडी अगर दूसरी जगह भी की जाए, तो सिचुएशन शायद उससे बदतर होंगे। जो चीजें निकल कर आएंगी, जो कंक्लूजन निकल के आएंगे, वो और मतलब भयानक होंगे, जो कि महाराष्ट्र के बारे में कही जाए। मतलब उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें से, और अंडरप्राइज एक बात और भी है कि ये जो लोग पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद अगर हम परसेंटेज में देखें तो 13.4% है, लेकिन अगर हम जेलों में उनका परसेंटेज देखें तो 21% है, 21% पूरे। तो ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ मुस्लिम बीइंग इन जेल है, रेशियो ऑफ मुस्लिम्स इन पॉपुलेशन, तो आप देखें कि बिल्कुल 1.5 ज्यादा है। तो ये मसला है। फिर जिसकी रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई लॉयर है ही नहीं, सिरे से लॉयर नहीं है। इसी तरह से 61% लोग ऐसे हैं, 61% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी लीगल एड अथॉरिटी का या किसी लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन का नाम तक नहीं सुना है, ना कभी उनको कभी अप्रोच किया गया, ना कभी बताया गया, किसी ने कोई वो नहीं किया गया। फिर इसी तरह से ये रिपोर्ट आगे और भी बहुत सारी चीजें बताती है कि किस तरह से डीके बासु गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया जाता है, 38% उसमें। फिर एक बात इस रिपोर्ट के जरिए ये भी समझ में, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये जो तादाद मुसलमानों की जेल में ज्यादा होने की है, उसकी दो वजह है। एक तो है करप्ट प्रैक्टिसेस, और दूसरा जो कि मुसलमानों के केस में सरप्लस, मतलब प्लस करना पड़ेगा, वो है कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनलाइजेशन ऑफ जेल ऑफिशियल्स। वो है कि आमतौर पर ये होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जेल अथॉरिटीज को पैसे दे दीजिए तो बहुत सारी सहूलियात आपको हासिल हो जाती है, या फिर जो है आप लॉयर्स हायर कर सकते हैं और अपना केस आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के केस में ऐसा भी होता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के केस में ऐसा भी होता है कि अगर आपके आप पैसे देने लायक हैं भी, अगर आप पैसा दे भी सकते हैं, तब भी आप ये चीजें अवेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्युनल बायस है। तो ये एक वजह है, और इसको आप ये जो कम्युनल बायस है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसका आप अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया प्रिजन ऑफिसर्स एसोसिएशन। इन्होंने एक नोट सर्कुलेट किया जो कि इनके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, अगर आप उस नोट को पढ़ें तो आपको लगेगा कि किस तरह से, मतलब वो इतना क्रिमिनल नोट है, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस, वो साफ साफ कहता है कि दरअसल में ये जेल में जो ये बदइंतजामी है और जेल में जो इस तरह की चीजें हो रही है, उसके पीछे मुसलमानों का या ISI से की वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं। और कम्युनलाइजेशन, तो हाल ये है कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उसी के ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है, तो ये एक इशू है। और जिस तरह के अटैक्स हुए हैं, अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो जिस तरह से खासतौर पर जो टेरर अक्यूज है उनके ऊपर अटैक हुए, मर्डर हुआ है, चाहे वो पुणे की जेल में हो, चाहे महाराष्ट्र की जेल में हो, जयपुर में है, लखनऊ में है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट आम मुसलमान कैदी जो है, जो ऑर्डिनरी केसेस में है, उनके ऊपर भी पड़ता है, और उनको ये समझा जाता है कि ये उनके ही दोस्त हैं, इसलिए उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो चीजें पैसे दे करके और दूसरे आसानी से दूसरे लोग हासिल कर सकते हैं, वो ये हासिल नहीं कर सकते हैं। हम जो डिफरेंट जब जेल डायरीज पढ़ते हैं, चाहे वो जो लोग दिल्ली की जेलों में रहे हैं उनकी जेल डायरी पढ़ते हैं या दूसरी जगहों के जेलों में रहे हैं, तो हमको थ्रू आउट द जेल डायरीज हमको ये पता चलता है कि किस तरह से मुसलमान होने के नाते उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ऐसे कई जेल डायरीज हैं। अभी एक जर्नलिस्ट जो है वो मैंगलोर में छूटा है, मैंगलोर
इंटरव्यूज में ये बात कही, या फिर अंजुम जमरूद हबीब की जो टेप डायरी है, या तुहार गिलानी की जो टेप डायरी है, ऐसी बहुत सारी टेप डायरी, उसमें साफ साफ तौर पर यह कहा जाता है कि किस तरह से मुसलमान होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और फिर उसके इम्पैक्ट और नॉर्मल जो प्रिजनर्स है उस पर भी पड़ते हैं। अब सवाल ये होता है, और एक सवाल जो बार बार कहा जाता है कि जेल में मुसलमान इसलिए है क्योंकि क्राइम ज्यादा करते होंगे, तो अगर हम उसके स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमको पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मामला यह है कि ट्रायल हुआ ही नहीं, ट्रायल होता ही नहीं, और जब ट्रायल होता है तो लोग छूट जाते हैं। ऐसे स्टैटिस्टिक्स एनसीआरबी में भी और सारी चीजें, उसका वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पेश कर पाऊँ, लेकिन वो चीजें। अब सवाल उठता है कि वो हम मतलब क्या किया जाना चाहिए। मुझे लगता है पांच ऐसी चीजें हैं जो किया जाना चाहिए, और पहला ये है कि ये बहुत जरूरी है कि एक थोरो रिसर्च हो रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर के जेलों में उनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है और जो चीजें हो रही हैं इस पर हो। और टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो हमें मालूम है कि वो सैनिटाइज्ड वर्जन ऑफ है, वो और भी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट था, लेकिन क्योंकि वो माइनॉरिटी कमीशन के साथ वो रिपोर्ट बना था और सरकारी तरह की रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट मतलब जो महाराष्ट्र के लेवल पर हुआ है उसको और दूसरी जगह पर भी किया जाना चाहिए और ऐसे रिपोर्ट प्रकाशित हों। तो ये एक सबसे पहला मामला। दूसरा मामला स्पीडी ट्रायल, जो कि हर अक्यूज का बुनियादी हक है, ये सब जानते हैं। स्पीडी ट्रायल के प्रोसेस, क्योंकि लोग एक छोटे से केस में है, एक जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होगी, उसमें 4-4 साल 5-5 साल है, उसके बाद लीगल एड प्रोवाइड करने का, हम टिस की रिपोर्ट में देख चुके हैं और आमतौर पर देखते रहते हैं कि किस तरह से लीगल एड का बहुत बड़ा मसला है। पांचवा यह है कि क्योंकि अब लगातार डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज और दलित के खिलाफ जेलों में, तो जरूरत इस बात की है कि जो जेल ऑफिशियल्स ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, उनके खिलाफ केसेस हो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। और पांचवा यह है कि ऐसा देखा गया है कि जो लोग डिस्क रिपोर्ट में भी ये बात है और दूसरी जगहों पे कि जो लोग जेल में हैं खासतौर पर मुस्लिम, वो पहली बार गए, तो अगर कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी हो, इस तरह की कोई चीज इवॉल्व की जाए, तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होगी, तो वो अगर जब जेल से बाहर आएगा तो फिर वो वापस ऐसी चीजों में नहीं जाएगा। ये पांच चीजें हैं मुझे लगता है जिसको अर्जेंटली करने की जरूरत है।